फैजाबाद जिला प्रशासन ने वक्फ की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। कोतवाली नगर के खुर्द महल इलाके में आज जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध रूप से बन रहे मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया। वक्फ की जमीन पर प्रदेश सरकार से सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने आदेशों का पालन करते हुए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। वक्फ की जमीन पर रह रहे स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना सूचना के ही उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। और हम लोग आके घर तोड़े, हम लोग के बड़े बड़े से पहचान है, हम लोग गरीब, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग का घर तोड़े जा रहे हैं यहाँ। हम लोग ये चाहते हैं हम लोग का घर ना तोड़े। एक तरफ सरकार गरीबों की मदद करी, दूसरी तरफ घर तोड़ रही है। अगर हम लोग की सरकार मदद नहीं करती तो हम लोग का नुकसान भी ना करे। हम गरीबों की बात और सोच रहे, कुछ भी नोटिस नहीं दी गई, आके डायरेक्ट घर तोड़ने लगे। बताना तो चाहिए था कि हम लोग का घर टूटेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ करते। गरीबों से आज तक 40-45 साल हो गए हम लोग को। 50 साल। फैजाबाद जिला प्रशासन के साथ नगर निगम ने शहर में वक्फ की जमीनों पर बढ़ रहे अवैध कब्जे हटवाने के लिए आज अतिक्रमण अभियान चलाया। इसके बाद अवैध रूप से वक्फ की जमीन पर घर बनाकर रह रहे 12 घरों के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 22 SL मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।